subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार। इटावा कस्बा बकेबर में किन्नरों के साथ ढोलक बजाने का काम करने वाले युवक ने प्रेस किए कपड़ों को उठाते समय घर पर माता पिता के न होने पर चॉकलेट का लालच देकर किदवई नगर की 7 वर्षीय बालिका के साथ लखना रोड इटावा पंबा पटरी पर दुष्कर्म किया और खून से लथपथ होने पर लखना बाजार से नए कपड़े पहनाकर उसके घर छोड़ा तो मां ने खून आता देख पुलिस को सूचना दी तो प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवर, क्या मामला हुआ है? मोहल्ला कितबई नगर। मामला क्या मामला हुआ? ये हुआ सर, ये कपड़े उठाने में हम धुलाई करते हैं सर जी। ये कपड़े उठाने आया, कपड़े लेके जो चला गया, बिटिया लालच दिया इसने मेरी बिटिया को। नाम क्या है उसका? रानी। नहीं, इस जिस लड़के ने ये किया है उसका नाम क्या है? भूरा। भूरा। अच्छा, क्या हुआ है फिर? ये सपना के यहाँ रहता है, ढोलक बाजा के। ये कपड़े उठाने आया, इसको मैंने कपड़े दे दिए और दारू भारू पिए तो बच्चा टॉफी वोफी लालच में इसने मतलब बच्चे को ले गया लखना, वहाँ बलात्कार किया इसने। अभी क्या हुआ, पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि नहीं ले लिया? सर हिरासत में ले लिया। पुलिस ले लिया, क्या चाहते हैं आप? हम इसको फांसी चाहते हैं सर। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसी और बच्चियों की जिंदगी बर्बाद ना हो सर। कल शाम को थाना बकेवर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 साल की बच्ची है कस्बा बकेवर की रहने वाली, उसके साथ पास के रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची बच्ची को मेडिकल कराने के लिए, तत्काल हॉस्पिटल भेजा था तथा अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी तत्काल दबिश दी गई। जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी भरतना द्वारा की जा रही है तथा सभी सुसंगत साक्ष्य करके इस मामले में, क्योंकि इसमें पॉक्सो भी लगा है, इसकी विवेचना शीघ्र करा के एक केस के रूप में, आदर्श केस के रूप में लेते हुए इसमें प्रयास हम लोगों का रहेगा कि अल्प अवधि में सारे सुसंगत साक्ष्य जुटा के आरोप पत्र प्रेषित करके और अभियुक्त को सजा दिलाए। इसमें लगातार जगह जगह पर लोगों से ये भी कहा जाता है कि अपने बच्चों पे थोड़ी सी ये नज़र रखें और आसपास के लोगों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी बच्चे को प्रलोभन देता है तो बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि इस मामले में इटावा पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व अभी एक मामला हुआ था थाना भरतना क्षेत्र में, वहाँ पर भी सजा दिलाई गई है, अल्प अवधि में सजा दिलाई गई है। जो इस तरह के केस हैं